प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा चल रही है और यहाँ पर लोग अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। सेम एक बच्चा जो है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में नजर आ रहा है, सफेद दाढ़ी रखा हुआ है, वो उससे बात करेंगे। कुछ हनुमान जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए आज हनुमान जी आप बनकर पहुंचे, क्या मतलब क्या संदेश है इसमें? संदेश यही है जो मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री अपने श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम तरह कार्य करते हैं, जनताओं के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो सब कुछ छोड़ के पूरे देश के लिए विकास के लिए समर्पित हो गए हैं। जंगल से लेके मंगल तक, जमीन से लेके आसमान तक कार्य किए हैं। आज पूरे विश्व गुरु मान रहे हैं क्योंकि गरीब का काम किए हैं, गरीबों का मसीहा है, गरीब घर में जन्म लिए हैं। ये हैट पहने हो आप, ये क्या है इतना भारी? ये कमल छाप है, कमल निशानी है बीजेपी का, इसीलिए मैं ये रख लिया हूँ। और ये गदा, ये गदा जो है इसमें नमो नमो है, ये शुभ का संकेत होता है, इसीलिए मैं इसको रख लिया हूँ। देखिए ये हनुमान जी बनकर आए हैं पीएम साहब को जो ये श्री राम समझते हैं, और ताकि ये जो है पीएम जो प्रधानमंत्री जो है वो सभी देश का कल्याण कर रहे हैं, यही वजह है कि ये हनुमान मंदिर की सेवा करने के लिए आए हैं। कुछ और देखिए नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप ये सफ़ेद दाढ़ी रखे हैं, क्या बनकर आए हैं? मोदी जी। अच्छा, क्या संदेश हम लोग कैसे बने हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं? कमल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या खास तैयारी की है आज? सब मम्मी ने। कैसा लग रहा है आज प्रधानमंत्री को सामने देख रहे हैं? एकदम अच्छा लग रहा है, पहली बार देखा मैंने। अच्छा लग रहा है, तो क्या संदेश यहाँ दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी? दिख रहे हैं। तो देखिए ये मोदी जी को बनकर यहाँ पर आए हुए हैं, कोई श्री राम बनकर आया है, कोई उनका रूप धारण करके आया है, और इस सभा में जो है यहाँ सभी पहुँचे हुए हैं और इस सभा में शरीक होकर प्रधानमंत्री को नज़दीक से देख रहे हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा था लेकिन आज इनका इंतज़ार खत्म हुआ है और आज ये यहाँ सभा में पहुँचे हुए हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दिलीप से मिथेश।